हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में हम 15 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स पर, क्लास 10 मैथमेटिक्स। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एमसीक्यूज में हेल्प कर सकते हैं। सो हर टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। सो पहला वाला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं इफ़ जो एक्स हमें दे रखा है 8 प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन में 2 इंटू 3 है, सो देन द रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल क्या होगा। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है अगर इसको आप ढंग से देखेंगे ना। सो देखो, आपको ये गिवन पॉलीनोमियल हमें दे रखा है, एक्स हमें क्या दे रखा है 8 प्लस माइनस रूट के अंदर ये चीज़ दे रखी है। देखो ये चीज़ हमें गिवन है ना, सो इसको ध्यान से देखना है, 8 प्लस माइनस ये चीज़ है और इस गिवन चीज़ को जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, ठीक है, ये चीज़ इससे आप कंपैरिजन करोगे। तो देखो माइनस बी होता है तो देखो यहाँ प्लस लिखा हुआ है, यानी कि बी के प्लस पे हमारा क्या है, देखो माइनस का 8 है, ठीक है, और ए के प्लस पे अपन के पास क्या है, क्योंकि यहाँ पर माइनस 4, 4 की जगह पर तो 4 है, ए की जगह पर क्या है हमारे पास, ए की जगह पर यहाँ पर 3 है और सी की जगह पर कितना 2 है। सो ए 3 है क्योंकि 4 फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, 4 ए कितना है 3 है, सी हमारे पास 2 है, क्लियर। सो देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होता है स्टैंडर्ड, वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप ए की वैल्यू यहाँ रख दोगे, बी की वैल्यू यहाँ रख दोगे, सी की वैल्यू रख दोगे, सो आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा जो कि होगा ऑप्शन नंबर 1, 3x² माइनस 8x प्लस 2 इक्वल 0, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर 0 इन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो देखो एक्स की पावर 0 को अगर आपको कोफिशियंट निकालना है तो सीधी सीधी बात होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो कांस्टेंट टर्म की ओर इशारा कर रहा है, मैं आपको सीधी बात बताऊँ तो। सो इसका ऑप्शन ट्रू ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट कर देंगे, थर्ड वाला डायरेक्ट। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की पावर 0 का क्वेश्चन बोले तो आपको कांस्टेंट टर्म देखना है, बस चिन्हों का भी ध्यान रखना है, और यहाँ पर प्लस का है तो ऑप्शन हमारा प्लस का 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो जनरल क्वेश्चन पूछ रखा है क्वेश्चन 3 में, कह रहा है इन विच कंडीशन विल द पॉलीनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस कंडीशन में ये स्टैंडर्ड जो फॉर्म दे रखा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी हो पाएगी जब ये जो ए है हमारे पास वो क्या रहे, नॉन ज़ीरो रहे, यानी कि अगर ए को अगर ज़ीरो कर दोगे तो वो एक्स स्क्वायर को ज़ीरो बना देगा, तब तो वो एक्स स्क्वायर का टर्म गायब हो जाएगा ना। सो अगर ए की वैल्यू ज़ीरो ना हो तो ये जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4th को पढ़ लो, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं फॉर विच वैल्यू ऑफ पी विल द इक्वेशन पी स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 नॉट बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब 0, जब आ जाती है एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। सो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं पी के प्लस पे इस वाले टर्म में अगर 1 रख दूँ यहाँ पर, अगर इसको सॉल्व करने पे 1 आ जाता है और 1 में से 1 माइनस होगा तो क्या होगा, 0। अगर मैं पी के प्लस पे 1 भी रखूँ तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और अगर मैं माइनस 1 भी रखूँ तब भी माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, दोनों ही केस में ये 0 दे देगा और 0 आने पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। सो इसका ऑप्शन पी इक्वल टू 1 और पी इक्वल टू माइनस 1 दोनों ट्रू है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ट्रू हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, राइट द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। कह रहे हैं इसके जीरोज फाइंड करने हैं हमें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जीरोज फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये जो गिवन पॉलीनोमियल होता है उसको किसके इक्वल लेके चलना होता है, जीरो के इक्वल, क्योंकि जीरोज बोल रहा है, और एक्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता ही होगा, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करो चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करो, जो सा आपका मन हो वो अप्लाई करो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने किया है, तो यहाँ पर देखो इसका कोएफिशिएंट 1 है ना, इसका कोएफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और माइनस करने पर 1, तो 3 2 6, 3 में से 2 घटेगा तो 1 आता है। सो ये आ गया, यहाँ से देखो एक जोड़ा बना, इधर से दूसरा जोड़ा बना, पहले वाले जोड़े से x कॉमन, तो
तो x माइनस थ्री बचेगा, इस जोड़े से टू कॉमन, तो अंदर x माइनस थ्री जो दो बार है उसको एक बार लिखा और जो कॉमन है उसको एक साथ लिखा। तो यहाँ से इसको जीरो रखोगे तो x की वैल्यू माइनस का टू देगा और इसको जीरो रखोगे तो x की वैल्यू थ्री देगा। सो माइनस टू और थ्री इसके आंसर आ जाएंगे रूट्स के। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहे हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इफ़ x प्लस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, जो हमें दे रखा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो पहले ही बोल दिया है x प्लस ए इज़ अ फैक्टर, फैक्टर है तो ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। ओके तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। सो मैं आपको वही तरीका बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, पेन नहीं चला सकता। सो मैं वही तरीका बताऊँगा जो आपको इसमें सोल्यूशन में दे रखा है। सो पता है क्या करना है, एक्स प्लस ए इसका फैक्टर है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जोड़ा बनाऊँगा, एक जोड़ा ये हो गया, दूसरा जोड़ा ये हो गया। पहले जोड़े में से देखो टू एक्स कॉमन है, तो टू एक्स कॉमन निकालेंगे तो एक्स प्लस ए बचेगा, और इस जोड़े से क्या कॉमन है, फाइव कॉमन है, तो एक्स प्लस टू बचेगा। और क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक्स प्लस ए इसका फैक्टर है, अगर ये देखो एक्स प्लस ए आ गया है ना, तो ये भी एक्स प्लस ए की ही होगा, क्योंकि जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये चीज़ इसकी इक्वल आती है, यानी कि एक्स प्लस ए किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स प्लस टू के। सो देखो यहाँ पर हो गया है एक्स एक्स एलिमेंट हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में। क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या बोल रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के इज माइनस फोर अ जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू के प्लस टू। मतलब फंक्शन एक्स में जब एक्स के प्लस में माइनस फोर रखता है तो के किस वैल्यू के लिए ये ज़ीरो देता है। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको जो ये फंक्शन एक्स दे रखा है बस इसमें एक्स की जगह पर क्या रख देना है, माइनस का फोर, और उस फंक्शन को रख देना ज़ीरो के इक्वल जो भी आएगा। तो यहाँ देखो आपको एक्स दिख रहा है, यहाँ आपको माइनस के फोर रखना है, यहाँ माइनस के फोर रखना है, देखो ये हमने रख दिया, और रखने पे हमें ये सॉल्यूशन मिला। चूँकि जीरोस की बात कर रहे हैं, जीरोस की लिए जब बात करता है तो इस चीज़ को किसके इक्वल रखा जाता है, ज़ीरो के इक्वल। सो यहाँ से हमें 18 माइनस टू के क्या दे देगा, ज़ीरो। सो टू के इक्वल टू 18 आ जाएगा, सो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर एट, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस सिक्स एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस फोर देन द राइट द पॉलीनोमियल। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछ गए हैं। देखो सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू मैक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू ज़ीरो, ये फार्मूला होता है। आप यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर दो, सो आपको ऑप्शन ट्रू करेक्ट मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन में। क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या बोल रहे हैं, देखो कह रहे हैं इफ़ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एफ वाई, जो हमें दे रखा है पॉलीनोमियल टू वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस फाइव, राइट द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है फिर से। ठीक है, सो इसमें क्या करना है, देखो ये हमारा पॉलीनोमियल है, ठीक, अगर अल्फा और बीटा आपकी रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस के बी अपॉन ए, और बी हमारे पास क्या है, यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट सेवन, फार्मूला क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए, तो बी कितना है सेवन है और ए कितना टू है, तो माइनस के सेवन बाई टू आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, सी अपॉन ए, सी क्या है फाइव, ए क्या है टू, तो फाइव बाई टू। और क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना है, सो अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस के सेवन बाई टू, अल्फा इंटू बीटा कितना है, फाइव बाई टू, दोनों को ऐड कर दोगे क्या आ जाएगा, माइनस के वन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो जस्ट क्वेश्चन नंबर टेन देख लेते हैं, कह रहे हैं व्हाट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज थ्री अ जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल एफ एक्स। जस्ट अभी ऐसा क्वेश्चन करके आए हैं, यानी कि एक्स के जगह पे हमें तीन रखना है और उसको सॉल्व करते हुए ज़ीरो के इक्वल लेके चलना है, क्योंकि किसकी बात हो रही है, ज़ीरो की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पर ये फंक्शन है, एक्स के प्लस पे क्या रखना है हमें, थ्री रखना है, ये हमने रख दिया, इसको सॉल्व किया तो 18 प्लस 3 प्लस के यानी कि 21 प्लस के आया है, और ज़ीरोज़ की बात हो रही है तो किसके इक्वल रखा जाएगा, ज़ीरो के इक्वल, तो 21 प्लस के तरह के क्या हो जाएगा, माइनस का, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस के 21। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 हुआ है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 होगा, तो
तो इसे आप खुद से ट्राई करें और आप मेरे को कमेंट करके आंसर बताएं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 सेम 11 की तरह है, ठीक है, इसे भी कर लेना आप खुद से, 12 वाला भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहे हैं इफ़ वन इज़ अ रूट ऑफ, देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो ना, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो हमारे पास है, इफ़ वन इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 3 एंड वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इक्वल टू 0, देन ए बी इक्वल, इस इक्वेशन में हमें ए अननोन है हमारे पास और इस इक्वेशन में बी, और बोल रहा है कि ये जो वन है इसका भी रूट है और इसका भी रूट है, तो बताओ ए बी की वैल्यू किसकी इक्वल होगी। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो अगर वन रूट है तो वन उसका ज़ीरो भी है ना, अगर रूट का मतलब क्या होता है, ज़ीरोज भी बोलते हैं उसको हम। सो क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि इसका रूट वन है, यानी वाई के प्लेस पर अगर आप वन रखते हो तो वो इसको क्या बना देता है, ज़ीरो बना देता है, यानी जहाँ जहाँ वाई था वहाँ वह हमने क्या रख दिया, वन वन रख दिया, और उसको हम किसके इक्वल रखेंगे, ज़ीरो, क्योंकि ये बोल रखा है कि ये रूट है उसका। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 2a + 3 = 0, और सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -3/2। ओके, a मिल चुका है। इसी तरीके से हमें b भी निकालना है फिर से। अब इस इक्वेशन में y के प्लेस पे 1 रखना है और इसको इक्वल टू रखना है 0 के, तो वही काम हम दोबारा फिर से करेंगे। यहाँ पर देखो ये इक्वेशन है, इस पे y के प्लेस पे 1 रखना है, ये रख दिया, यहाँ पर रख दिया और उसको रख देना 0 के इक्वल। सो देखो यहाँ से आ जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 का और ये 1 जुड़ जाएगा, ये प्लस बी है, तो बी प्लस 2 = 0, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ए की वैल्यू हमें ये मिली है, बी की वैल्यू हमें ये मिली है, हमें फाइंड करना है ए बी। सो ए बी क्या हो जाएगा, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, रख देंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल आउट, सो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, ये 13 क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्या बोल रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ पी विल 3p + 1x² + 4x - 2 = 0 नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है कि पी के किस वैल्यू के लिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। सो सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है, 3p + 1 है। सो आपको क्या करना है, जो अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ये जो रामायण इन्होंने किया है ये सब नहीं करना है आपको। अगर देखो एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन अगर 0 हो जाता है तो आपको क्या लेके चलना है, 3p + 1 + 1 = 0। सो देखो 3p = क्या जाएगा, -1 इधर, और ये 3 जो मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि p की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, -1/3। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, -1/3 सेकेंड वाला। ठीक है, ये भी हो गया। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा सा आप मोबाइल को मोड़ लेना। क्या बोल रहे हैं, द रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट जो हमारे पास ये क्वेश्चन है दे रखा है, द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + x - p + 1 = 0 वेयर पी इज़ अ कॉन्स्टेंट आर, कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। ठीक है, तो देखो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो रूट हैं वो अल्फा और बीटा हैं, तो आपको फार्मूला पता ही है, सम ऑफ द रूट्स फार्मूला -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -c/a। सो क्वेश्चन में देखो a कितना है यहाँ पर, 1 है, b भी कितना है, 1 है, और c हमारा ये है। ठीक है, सो फार्मूले में हम रख देंगे, ये अल्फा प्लस बीटा है सम ऑफ द रूट्स, ये सम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। सो यहाँ से हमने क्या किया, इस वाले इक्वेशन से हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली, जो कि होगा देखो ये प्लस का बीटा इधर के माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 1 + बीटा। इस अल्फ़ा की वैल्यू को उठाओ यहाँ से और इस वाले इक्वेशन में यहाँ पर रख देना है, रख दिया। सो यहाँ से क्या गया, -1 + b बाहर से बीटा और -p + 1 बाहर से पी। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो पी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बीटा, और जैसे ही पी की वैल्यू मिलेगी, पी की वैल्यू बीटा आ गई, और बीटा की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, और अल्फ़ा बीटा ही हमें फाइंड करने थे। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपको आपका करेक्ट आंसर दे देगा। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। ठीक है, अगर
पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो डेली बनाता रहूं नाइट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।